वेलकम टू एडुकेटर देवड़ा चैनल, माई सेल्फ राकेश देवड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? ए पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर विच हेल्प अस एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। मीन्स कोई भी डिवाइसेस या उपकरण जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मीन्स अगर अपन को कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है या कोई भी डेटा एंटर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप अपन डेटा एंटर करोगे तो कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। माउस के थ्रू क्लिक करोगे तो माउस इज इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइसेज। ओके, विदाउट एनी इनपुट डिवाइसेज ए कंप्यूटर वुड ओनली बी ए डिस्प्ले डिवाइस, नॉट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद। मीन्स इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। नाउ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, स्टाइलस, टच स्क्रीन, टच पैड, VCR, MICR, OCR एंड वेब कैमरा। इसके अलावा भी काफ़ी इनपुट डिवाइसेस होती है जो बेसिक्स आप सब जानते हो। इस ट्यूटोरियल के अंदर अब हम इन 13 इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज कीबोर्ड। आप देख रहे हो पिक्चर्स, ये कीबोर्ड्स की पिक्चर्स है। और अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये बेसिक्स आपको पता है। इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपके टाइपराइटर कीज होती है, सिस्टम कीज होती है, एप्लीकेशन कीज होती है, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी होती है? F1 से लेके F12 जो हेडर के अंदर होती है। न्यूमेरिक कीपैड होता है जो 0 से 9 तक होता है राइट हैंड साइड के अंदर। कर्सर कंट्रोल कीज होती है जिसको बोलते हैं अपन, कौन सी? कर्सर कंट्रोल। और ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एरो कीज होती है, एंटर कीज होती है और भी बहुत सारी कीज होती है ना। तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प इन इनपुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशन फंक्शंस। ओके, कीबोर्ड्स आर ऑफ टू साइज, 84 कीज और 101, 102 कीज। बट नाउ कीबोर्ड विथ 104 और 108 कीज आर आल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज एंड इंटरनेट। वैसे मैं आपको बता दूं, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ कीज होती है वो होती है 104। ओके, गॉट इट। इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक की A to Z एंड न्यूमेरिक के अंदर 0 to 9 और पंक्चुएशन के अंदर कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, क्वेश्चन मार्किंग, डबल कोटेड, मॉडिफायर की, शिफ्ट, स्पेस बार, एंटर, कंट्रोल, अल्ट, दीज आर मॉडिफायर्स कीज। नेविगेशन की एरोज, होम, पेज अप, ये सारे नेविगेशन की। सिस्टम कमांड्स, प्रिंट स्क्रीन, एस्केप, F1 एंड स्टार्ट। और इवन आप कैसे तो फंक्शन कीज F1 से लेके F12, दिस इज फंक्शन कीज, दीज आर फंक्शन कीज। ओके, सेकेंड वन इज माउस। माउस आप देख के आप समझ में आ गया ना। माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस, हैविंग ए स्मॉल पाम साइज बॉक्स विथ ए राउंड बॉल एट इट्स बेस विच सेंसेस द मूवमेंट ऑफ माउस एंड सेंड्स करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू CPU व्हेन द माउस बटन्स आर प्रेस्ड। देखिए, आप अपने माउस के थ्रू लेफ्ट और राइट बटन जो भी प्रेस करते हैं वो सिग्नल CPU के पास जाता है। जनरली इट हैज टू बटन्स आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट बटन and a wheel is present between the buttons. Mouse can be used to control the position of cursor on a screen, but it cannot be used to enter text into the computer. Computer के अंदर आपको text enter करना है तो उसके लिए आपको keyboard की जरूरत पड़ेगी। Clear? Third one is joystick. Joystick आज के time के अंदर बच्चे game बहुत खेलते हैं और joystick का सबको अच्छे से पता है। Joystick allows an individual to move an object in game, such as navigating a plane in a flight simulator. Apart from computer system, a joystick is also used in the cockpit of an aeroplane, wheelchairs, cranes, trucks, etc. to operate them well. Fourth one is light pen. Light pen. It is a wand-like looking device which can directly be moved over the device's screen. It is light sensitive. Light sensitive होती है. Used in conjunction with computer's cathode ray tube. Light pen के थ्रू आप डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल।
ट्रैक बॉल इज ए माउस लाइंग ऑन इट्स बैक, ये सेम माउस की तरह ही दिखता है। टू मूव द पॉइंटर यू रोटेट द बॉल विथ योर थंब योर फिंगर्स ऑन द पाम ऑफ योर हैंड, इट डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस यूज इट। ओके, इस बॉल की तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट यूज, डेली रूटीन के अंदर यूज आता है स्कैनर्स। दीज आर टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैट बैंड स्कैनर्स एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। जो मेजर टॉपिक्स है जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, है ना, ये इनपुट डिवाइसेज है, इनके ऊपर मैं आपको डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। इस वीडियो के अंदर तो हम इतना काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो कवर्ड होगा नहीं, तो मैं इसके लिए आपको डिफरेंट इंडिविजुअली आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, स्कैनर द डिवाइस कैन स्कैन इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू ए डिजिटल सिग्नल। यानी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हो उसको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आप सिंपल उसको स्कैन कर लो, और जो भी फॉर्मेट आप पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसको, या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए आप उसको सेव कर सकते हो। व्हेन वी प्लेस एनी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन ए स्कैनर इट कन्वर्ट्स इट इनटू ए डिजिटल सिग्नल एंड डिस्प्ले इट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज ग्राफिक टैबलेट। ए ग्राफिक टैबलेट और डिजिटलाइजिंग टैबलेट, ग्राफिक्स पैड, ड्राइंग टैबलेट्स इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट अलाउज वन टू हैंड ड्रॉ इमेजेस एंड ग्राफिक्स सिमिलर टू वे वन ड्रॉ इमेजेस विद ए पेंसिल एंड पेपर। यानी ग्राफिक टैबलेट के बारे में आप जानते हो, किसमें आपको कुछ भी आपको लिखना है, ड्रॉ करना है, डायरेक्टली सिंपल आप इसके स्क्रीन पे कर सकते हो, वो ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। यूजिंग ए माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन ए डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म, इट कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सपोज अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है और इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको सुनाई दे रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टाइलस। इवन ये अब मोबाइल के अंदर बहुत यूज होने लग गया है, टैब्स के अंदर। स्टाइलस इज ए स्मॉल पेन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू इनपुट कमांड्स टू ए कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल डिवाइस और ग्राफिक टैबलेट्स। इवन आप सैमसंग्स और काफ़ी एप्पल्स के भी आप टैबलेट्स देखोगे, फोन्स देखोगे, तो उसके अंदर स्टाइलस का यूज होता है। टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ए टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। द टर्म जनरली रेफर्स टू टचिंग द डिस्प्ले ऑफ डिवाइस विथ ए फिंगर और हैंड। जैसे एक टच स्क्रीन, जैसे आपके पास एक मोबाइल है, सपोज आईफोन है आपके पास है, तो आप उसके स्क्रीन पर जो भी एप्लीकेशन ओपन करना है सिंपली आप उस पर टैप करते हो और वो ओपन हो जाती है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट इज टच पैड। जैसे अभी मेरे पास लैपटॉप है उसके अंदर ये अवेलेबल है टच स्क्रीन फीचर्स, लेनोवो का है, तो दिस इज प्रोटेक्शंस के लिए भी अच्छा होता है आपके लिए। ए स्मॉल टच सेंसिटिव पैड यूज एज ए पॉइंटिंग डिवाइस ऑन ए सम पोर्टेबल कंप्यूटर्स बाई मूविंग ए फिंगर और अदर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द टैप यू कैन मूव द पॉइंटर ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। यानी कि आप थम्स का आपने फिंगरप्रिंट रख दिया है, तो जैसे आपका थम्स होगा अगर मैच हो जाएंगे तो देन ये आपका कंप्यूटर स्टार्ट ओपन हो जाएगा। 12 इज बार कोड रीडर। ए बार कोड रीडर और स्कैनर इज ए हार्डवेयर डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग ए बार कोड एंड प्रिंटिंग आउट द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट और लॉगिंग दैट प्रोडक्ट इनटू ए डेटाबेस। आप देख रहे होगे जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर और इवन मॉल्स के अंदर आप शॉपिंग करने जाते हो, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड स्टिकर लगा रहता है, और बार कोड रीडर डिवाइस के थ्रू जैसे स्कैन करता है प्रोडक्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपको विजुअल हो जाती है, और प्राइस है वो भी आपको हो जाती है। दिस इज बार कोडेड। लास्ट वन इज वेब कैमरा। ए वेबकैम इज ए हार्डवेयर कैमरा कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर दैट अलाउज एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू व्यू आइदर स्टिल पिक्चर और मोशन वीडियो ऑफ ए यूजर और अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि सिक्योरिटी रीजन से वेब कैमरा का बहुत यूज होता है, इवन आपके लैपटॉप्स के अंदर बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, उसके थ्रू भी आप यूज करते हो, और वेब कैम का यूज आपको अच्छे से पता है। ओके, तो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए एडुकेटर देवरा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।